नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 12 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, बाइसल लेवल दिखाऊंगा, तीनों सेट ऑफ बाइसल लेवल और भी बहुत सारा चीज़, गन स्क्वायर 9 पिवट पॉइंट, गन एंगल, मुरेस मैथमेटिकल लेवल से सब दिखाऊंगा, 100 डे में स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, जीएम में स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एसेट दबार एनआर फोर एनएस दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अब तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल देखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो कि आप लोग को रेगुलर जो आप लोग को देखने से और आप लोग को अटैक करने से काफ़ी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए इसके अलावा बहुत सारा स्ट्रैटेजी या टेक्निक्स है जो भी आप लोग को सीखने के लिए सीखने से आप लोग को ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा और स्टॉक मार्केट से आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है। और ये फाइल में बहुत ही बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग इस्तेमाल करके आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसको हाउ टू स्क्रीन और इसको ये सब वीडियोस आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग और परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखिए, उसके इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि इसको इस्तेमाल करके कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और इसको सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा ताकि आप लोग को सैम्पल फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे इसको आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। और आप लोग मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक होने ज्वाइन होने के फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है जिसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ। तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कुछ दिन ट्रायल लेने से आप लोग को पता चल जाएगा ये कैसे काम करता है, उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। और आप लोग जो लोग एलिस ब्लू या एलिस ब्लू में ज्वाइन हो सकता है, आस्था ट्रेड में ज्वाइन होना चाहता है तो और स्टॉक्स में ज्वाइन होना चाहता है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो आप लोग उससे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने तीनों सेट ऑफ बाइसल लेवल दिया हुआ है और बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसमें स्क्रीन किया जा सकता है। और बाइसल लेवल 4 मैंने अलग से बनाते, एक्चुअली बाइसल लेवल 3 मैंने जब सेव करता हूँ और आप लोग को सब शेयर करता हूँ, बाइसल लेवल 4 नाम देखे मैंने शेयर करता हूँ, तो इसीलिए इसमें भी आप लोग को देख सकता है ये दोनों फाइल। तो देखिए मैंने तीनों सेट ऑफ बाइसल लेवल मैंने पहले दिखाता हूँ, इसमें बाई का एंट्री लेवल बाइसल लेवल का 1 में बाइक एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बड़ा तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाना तरफ रहता है, सेल का भी ऐसा है। और आप लोग का कैसे इसको ट्रेड का मतलब मार्केट ओपन होने के बाद गैप अप और गैप डाउन का आप लोग कौन सा लेवल पे आप लोग को देख लेना है उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है। सोच लीजिए 1673 और 1685 या सोच लीजिए 1678 या 1679 या 1680 में है तो इसको 1685 टारगेट के लिए आप लोग को देखना ही पड़ेगा, नहीं तो 1685 क्रॉस होने के बाद 1700 ये टारगेट के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा। ये 1779 ऊपर खुलेगा तो 1786 के टारगेट में आप लोग के लिए आप लोग देख सकते हैं, और टारगेट स्टॉप लॉस आप लोग का ये सबसे रहता है, सभी समय टारगेट नहीं अचीव होता है, वो आप लोग को देख लेना पड़ेगा। और ये बाइसल लेवल 2 है, इसका बाइसल लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद बाइसल लेवल 3 आएगा, ये है R1, इसका बाई का एंट्री लेवल है, और S1 इसका सेल का एंट्री लेवल है, इसमें भी गैप अप गैप डाउन कंसीडर करना पड़ेगा। ये पिवट पॉइंट है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, इसका वैल्यू भी आप लोग को बहुत ही कम पे आएगा, इसका वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। बुलिंग बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड और मिड बैंड का वैल्यू नोट कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस चैनल का मिड बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकते हैं। और टीरोम लेवल जो है इसका टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है। और इसमें मैंने और भी चीज़ दिखाता हूँ, मतलब ये जो गन का लेवल है, ये है गन एंगल का लेवल्स, ये सब जो एंगल्स है, ये सब इसका टारगेट्स है, ये हम लोग नोट कर सकता है। ये सब ये बाइक
बाई साइड का है और ये सेल साइड का है, तो ये आप लोग नोट कर सकता है। और इसके अलावा ये है गन स्क्वायर का, गन स्क्वायर ऑफ 9 का वैल्यू है, ये आप लोग नोट कर सकता है। और नट्टू अट्टू सारा ये सब सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सपोर्ट है, मतलब यही यही वायरल सेल लेवल है। और ये है मूडेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको क्या कैसे रेट करना है कि ये देखिए ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस है और ये लोएस्ट रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर जो मतलब सोच लीजिए 1617 का नीचे जाएगा तो 1660 का नीचे जाना देखना पड़ेगा, और जब पीछे से भी देखना पड़ेगा, सोच लीजिए 1660 के ऊपर है तो 1670 के लिए टारगेट के लिए आप लोग देखना पड़ेगा, 1650 का ऊपर है यार तो 1660 के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा, नीचे जाएगा तो 1640 के नीचे आप लोग को देखना पड़ेगा, ये भी आप लोग को काम पे आएगा। और तो कौन सा पोजीशन में कौन सा है वो आप लोग को इधर से देख लेना पड़ेगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ, इस सभी लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरा ग्रुप पे फाइल शेयर कर दिया है ये सब जो लेवल दिखा है, तो इधर से भी आप लोग देख सकते हैं। ये वाइनल सेल लेवल 1 है, ये वाइनल सेल लेवल 2 है, और आएगा बाई लेवल सेल लेवल 3, ये बाई लेवल सेल लेवल 3, सॉरी इसमें तो ऐसा ऊपर करना पड़ा, ये फ्यूचर्स है और इंडेक्स है, स्टैंडर्ड पिवट है, पिवट फंड है, बोलिंग जेल में टी रन लेवल अभी तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को गन एंगल को दिखाऊंगा, ये सब सपोर्ट डिस्टेंस आप लोग को 3-4 मीटर, तो सपोर्ट डिस्टेंस आप लोग को नोट करने से क्या होता है कि आप लोग कौन सा लेवल पे कौन सा है तो आप लोग को अच्छी तरह से जब पता चल जाएगा तो आप लोग मॉनिटर करने के लिए सुविधा हो जाएगा। यह गन स्क्वायर ऑफ 9 का सपोर्ट डिस्टेंस और मुझे मैथमेटिकल लाइन सोच लीजिए। इधर बैंक निफ्टी का इंडेक्स सोच लीजिए 26528 के ऊपर है, तो आप लोग को 528 के ऊपर जो है ये 609 के पहले देखना पड़ेगा, उसका ये सॉरी 569 के लिए देखना पड़ेगा, ये 600 487 के ऊपर रहेगा तो 528 के लिए देखना पड़ेगा, 26647 के 487 के देखना पड़ेगा, और उल्टा जाएगा तो नीचे जाएगा तो 487 के नीचे रहेगा तो 26447 के लिए देखना पड़ेगा, ऐसे करके ये लेवल काम करता है। इसका तो थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता हो सकता है आप लोग को, मेरे को पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करता है। और इसमें देखिए जो अभी लास्ट प्राइस जो है उसका इस सबसे कौन सा गन का कौन सा डिग्री में है वो भी देखना पड़ेगा, और इसमें रिवर्स होने का मतलब कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा वो भी इधर से देखना आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा, किसी को किसी चीज पे डाउट होना तो जरूर मेरे को पूछ लीजिएगा आप कमेंट्स सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मेरे को व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकता है। सब चीज़ आप लोग पास करके वीडियो पास करके आप लोग नोट कर सकते हैं। और मैंने और भी एक लेवल आप लोग को दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी मेरा ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है, ये भी लेवल आप लोग देख सकते हैं।